नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। एआईएसएफ बिहार के राज्य व्यापी आह्वान पर संगठन की जिला इकाई के बैनर तले बीएनएमयू मुख्य द्वार के सामने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसकी आलोचना की। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के संयुक्त राज्य सचिव जन्मेदय कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति काफी घातक है। नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करना इसका प्रमाण है। देश का प्रथम छात्र संगठन एआईएसएफ इसका पुरजोर विरोध करती है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ ही राज्यव्यापी कॉल के अंतर्गत पूरे सूबे में संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर सरकार का विरोध करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर रहे हैं। सरकार ने अविलंब अगर इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया तो जल्द ही आगे की योजना भी तैयार की जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए बाम युवा संगठन एआईवाईएफ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंभु क्रांति ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह शैक्षणिक माहौल को चौपट करने में तुली हुई है, जो भविष्य के लिए घातक है। नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म होने से कई प्रतिभाएं उड़ान भरने से पहले ही मिट जाएंगी। संगठन की जिला सचिव मनु कुमार ने इस अवसर पर कहा कि छात्र हित के मुद्दों पर संगठन हमेशा संघर्षरत रही है और आगे भी रहेगी। एआईवाईएफ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मुन्ना ने कहा कि छात्र युवाओं को एकजुट होकर सरकार के दोहरे चरित्र और गलत नीति के विरोध की जरूरत है। छात्रों का आरक्षण खत्म किया जा रहा, क्या कहेंगे इस पर? इस पे जो ओबीसी छात्रों का जो आरक्षण खत्म किया गया है उसमें आरक्षण पुनः दिया जाए, यही मुद्दा है। और जो छात्र छात्राओं का है उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी का फी वापस कराई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छात्र छात्राओं का फी लिया गया है, जिससे कि एससी एसटी के और भी ओबीसी के छात्र छात्राएं छात्रा परेशान है। यही मेरा मांग है। और अगर ये मांग पे इस मांग को सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एएसएफ स्टेट काउंसिल मेंबर मौसम प्रिया। इस अवसर पर एआईएसएफ की जिला उपाध्यक्ष मौसम प्रिया, एआईवाईएफ की जिला उपाध्यक्ष रेखा देवी, मुस्कान, सुमन, कौशल कारगिल, राजू, गौरीशंकर कुमार आदि दर्जन छात्र मौजूद रहे। आरक्षण को लेकर के पुतला दहन किया गया, क्या? देखिए, जब से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और चोर चोर मोसेरा भाई नीतीश कुमार पिछले बार कहा था चुनाव में कि मैं अब जो है सो मैं नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है मित्रों कि वो चोर चोर मोसेरा भाई अलग नहीं रह सकता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ गया और देश के अंदर जो शिक्षा नीति है, शिक्षा पर आज तक किसी ने कोई विचार नहीं कर पाया। इसलिए जिम्मेवार राज बिहार के राज्य मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जिम्मेवार है। हमारे राजनेता बता चुके हैं कि देश में जो लागू हुआ, बिहार के अंदर जो हमने तय किया, उसको ये पूर्व मंत्री ये जीतन राम मांझी ने स्वीकार किया था और जीतन राम मांझी के बातों के खिलाफ ये चल रहे हैं नीतीश कुमार जी। इसलिए हम इसके खिलाफ आज एआईएसएफ पुतला दहन किए हैं। ये हमारी अंगराई है। आने वाले समय में हम बेहद पैमाने पर लड़ाई लड़ेंगे और छात्रों के हित में अगर यूनिवर्सिटी के अंदर काम नहीं हुआ तो बिहार सरकार और देश के प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ेगा। इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार नीतीश कुमार की होगी। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शंभु क्रांति, पूर्व एएसएफ छात्र नेता, मधेपुरा। बिहार संवाददाता प्रिंस कुमार की रिपोर्ट।